हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हरिनंदन एंड आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप टेलीकॉम में काम करते हैं तो आपको अर्थिंग और ग्राउंडिंग का तो महत्व पता ही होगा, कितना ज़रूरी है अर्थिंग देना, ग्राउंडिंग देना। दोस्तों, अर्थिंग हम लोग डीसी पावर के लिए भी देते हैं और एसी पावर के लिए भी देते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डीसी पावर के लिए, जो अर्थिंग हम लोग देते हैं ज़्यादातर टेलीकॉम में। दोस्तों, हम लोग अर्थिंग और ग्राउंडिंग देते हैं इक्विपमेंट को फेल्योर होने से बचाने के लिए। अगर कुछ पावरफुल एजिशन हुआ या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो उससे बचने के लिए हम लोग अर्थिंग को देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थिंग क्या होता है। दोस्तों, किसी भी इक्विपमेंट के मेटालिक पार्ट से अगर वायर को कनेक्ट करते हैं तो वो जो वायर है आपको अर्थिंग वायर कहलाता है। और ग्राउंडिंग क्या है, आप अर्थिंग चैम्बर देखे होंगे, वहाँ पे एक रॉड जो है ग्राउंडेड किया हुआ होता है, उससे जो वायर जाती है उससे उसमें जो ज्वाइंट होकर जो वायर जाती है वो ग्राउंडिंग वायर कहलाता है। दोस्तों, हम लोग इक्विपमेंट में जो अर्थिंग वायर कनेक्ट करते हैं और इक्विपमेंट से कनेक्ट करके हम लोग आईजीबी में करते हैं या एजीबी में करते हैं, उसके बाद आईजीबी से होते हुए आपके अर्थिंग चैम्बर में आता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं जो समझता हूँ अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों एक ही होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एज ए प्रैक्टिकली देखें तो इक्विपमेंट से आपका अर्थिंग वायर गया ईजीबी या आईजीबी में गया, और ईजीबी से आपका गया अर्थिंग चैम्बर में, मतलब वहाँ पे जाके आपका ग्राउंडेड हो गया। मतलब आपका जो स्टार्ट हुआ इक्विपमेंट से केबल के द्वारा, वो पहुँचा कहाँ पे, आपका अर्थिंग चैम्बर के पास। कनेक्टिविटी तो वही है आपका, एक केबल आपका वहाँ तक गया, तो उसको आप अर्थिंग वायर बोलिए या ग्राउंडिंग वायर बोलिए, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, और अर्थिंग जो वायर है उस वायर में जो हम लोग रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, वो शुड बी 5 ओम होना चाहिए, मतलब 5 ओम के नीचे होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर वो लो रेजिस्टेंस वायर नहीं कहलाएगा। और उसमें आपका अगर इक्विपमेंट में अगर कुछ पावरफुल सिचुएशन हुआ या कुछ ऐसी हरकतें हुए पावर रिलेटेड जो रिवर्स में पावर आया, तो आपका वो आपका अर्थिंग के वायर में फ्लो नहीं करेगा, वो इक्विपमेंट का वो फॉल्टी करेगा। वो अर्थिंग के वायर में कब फ्लो करेगा, जब आपका अर्थिंग 5 ओम से नीचे होगा, तब ये सब चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है आपका इक्विपमेंट में, तो पावर जो है आपका पूरा उसके इक्विपमेंट के बॉडी में आता है, लेकिन जनरली हम लोग टच करते हैं तो कुछ नहीं होता और कुछ फील नहीं होता है। इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि वो एक तो डीसी पावर है वो, और दूसरा लो रहता है, 53 वोल्टेज यूज किया जाता है। हर एक आपका जितना भी सेल टावर है वहाँ पर देखेंगे तो डीसी पावर जो दिया जाता है इक्विपमेंट को, हम एसी की बात नहीं कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं, उसमें फील नहीं होता है। आप हाथ पे टच करेंगे तो आपको नहीं होता। उसको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर से आपको मेजर करना है, मल्टीमीटर से देखना है उसमें है पावर की नहीं। देखिए, मल्टीमीटर से देखेंगे बॉडी के, तो अगर कुछ इंटरनली फॉल्टी हुआ है तो आपका वो रिवर्स करंट आता है, और रिवर्स करंट जो आता है नहीं तो सभी बॉडी में फैल जाता है, वो तो बॉडी में फैल जाएगा। तो आपको इक्विपमेंट पे जो बॉडी पे आप मल्टीमीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर को वायर लगा के आप मेजर करेंगे, उसमें आपको पावर दिखाएगा। लेकिन वही पावर अगर आप बॉडी में आप अर्थिंग वायर लगा के रखेंगे इक्विपमेंट में, तो पावर क्या है आपको फ्लो करेगा अर्थिंग वायर के थ्रू और ग्राउंडेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका इक्विपमेंट फॉल्टी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के को
अर्थिंग वायर और ग्राउंडिंग वायर को चेक करना है और जहाँ पे भी साइट पे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक ही होता है। और दोस्तों और फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन अगर दबा के रखेंगे तो मेरा आने वाला वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।